आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज, और हिंदू कॉलेज में यहाँ पर जो रतनलाल प्रोफेसर रतनलाल है उनके विरोध में कुछ हिंदू छात्र लगातार संघी मानसिकता से पीड़ित, ये लोग अभी यहाँ पर विरोध के नारे लगा रहे थे और लगातार जैसे ही बीच में सवाल किए गए तो हमारे साथ निधि जो पत्रकार है नेशनल दस्तक की, उनके साथ यहाँ पर अभी गिरेबान तक हाथ लगा दिया। क्या हुआ था मैम? मैम मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, अंदर गई कॉलेज के अंदर, नारेबाजी हो रही थी कि रतनलाल का खतना होगा। क्या इससे भावना आहत नहीं हो रही? आज संवैधानिक तरीके से नारेबाजी की जाती है, जब उनसे सवाल किया जाए मीडिया के तौर पे, मीडिया को ना जाने अंधी मीडिया इस तरीके की चीज़ें बोल रहे थे, और एबीवीपी के गुंडे आते हैं यहाँ से कॉलर पकड़ लेते हैं मुझे। जब मैंने उसको रिप्लाई किया, पकड़ने की कोशिश की कि रुको तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी, तो वो थार में बैठ के भाग गए, भगवा गमछा ओढ़ा हुआ था। सोचिए इस तरीके की डेमोक्रेसी है इस देश में, इस तरीके के लोग छात्र हो सकते हैं? ये छात्र नहीं है, ये पैसे पे किराए पे लाए गए सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे गुंडे हैं ये। अभी ये लगातार जो है विरोध का नारा लगा रहे हैं रतनलाल जी के खिलाफ, इनसे जब बात करी जाती है तो ये चिल्लाने लगते हैं, और उसी बीच में झड़प हो जाती है और आपके गिरेबान पे। क्या इन लोगों ने हाथ वात भी चलाया? हाथ चलाने वाले थे, इन्होंने कॉलर जब मेरी ब्रेस को ही भी इन्होंने पकड़ लिया, तो कहाँ से अब क्या क्या रह गया इस देश में? आप खुलेआम कपड़े खोल रहे हो, शिवलिंग पे बोल रहे हो हमारी भावना आहत हो रही है, महिलाओं का चीर हरण कर रहे हो, बोल रहे हो हमारा भावना आहत हो रही है। कैसा हिंदुत्व है जिसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को द्रौपदी की तरह चीर हरण कर रहे हैं? कैसा हिंदू राष्ट्र है? किस हिंदू राष्ट्र की चादर, किस हिंदू राष्ट्र का तांडव कर? प्रशासन व्यवस्था यहाँ मौजूद था, लेडी कॉन्स्टेबल यहाँ मौजूद थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की आके, और वो गुंडे थार में बैठ कर भाग गए यहाँ से। सामने में देख सकते हैं आप लोग, पुलिस भी मौजूद थी और किसी ने भी किसी भी तरीके का बचाव नहीं किया। क्या इन गुंडों को वाकई में, ये छात्र नहीं गुंडे हैं, इनको संरक्षण प्राप्त है क्या सत्ता के अधिकारी? बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है। रतनलाल एक ट्वीट करते हैं तो उनके लिए कॉलेज के अंदर लोग प्रदर्शन करते हैं, मीडिया जस्टिस की बात करती है, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से अपनी बात रखती है, तो मीडिया को धमकाया जाता है, मीडिया का कॉलर पकड़ा जाता है। अगर आप महिला है तो आपका तो बलात्कार हो जाएगा चीरहरण करते हुए, खुलेआम आपके कपड़े खोल दिए जाएंगे, लेकिन प्रशासन तमाम देखता रहेगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। इस देश में कोई सुरक्षित नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल्स हमारा खतरे में है, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारा अधिकार खत्म हो रहा है, संवैधानिक तरीके से हमारे संविधान को खत्म किया जा रहा है, लेकिन ऐसे जो गुंडे आके सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज मेरे कॉलर की बात है, कल को ये जाके कुछ भी मेरा बलात्कार कर सकते हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या अखिल भारतीय परिषद होगा, कौन होगा, या भारतीय जनता पार्टी होगी, या ये लोग होंगे? प्रशासन जो तमाशा देख रही थी, दिल्ली पुलिस कौन होगा? यहाँ पे लेडी कॉन्स्टेबल भी थी, वो भी तमाशा देख रही थी, कौन जिम्मेदार होगा अगर कल को मेरे साथ कुछ होता है? तो अभी क्या कुछ करेंगे, इनके ऊपर FIR नहीं होनी चाहिए? ऑफकोर्स मैं FIR करने जाऊंगी, क्योंकि मेरी इनसिक्योरिटी का सवाल है, मेरी सेफ्टी का सवाल है, मेरी डिग्निटी का सवाल है। मैं एक फंडामेंटल राइट्स मेरा, मैं एक अपना काम कर रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ, पत्रकारिता कर रही हूँ, तो आप कपड़े खोल लेंगे, आप ब्रेस दबा देंगे? अराजकता से भरे हुए ये लोग कहाँ से आते हैं मैम? ये कुछ नहीं है, इनको बुलाया जाता है पैसों के आधार पे, इस देश में हिंदू मुसलमान करके SC ST माइनॉरिटी के अधिकारों को ख़त्म करने का षड्यंत्र हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। जो सरकार से सवाल करेगा, सरकार को अपनी आलोचना से डर लगता है, वही सरकार वही कर रही है कि इनको धर्म के नाम पर उलझा दीजिए। रतनलाल जिस तरीके से एक साफ छवि के व्यक्ति हैं, शेड्यूल कास्ट से जो आते हैं, ये इनको हजम नहीं हो रहा है कि शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हिंदू कॉलेज के परिसर में रहकर उसके अंदर घर कैसे मिल सकता है, आलीशान तरीके से कैसे रह सकता है? सारी लड़ाई डिग्निटी की है, और हिंदूवादी इन मनुवादियों को रास नहीं आ रही है। वो सब बहुसंख्यक में से आती है, तभी मैं बहुजन समाज से आती हूँ, किस तरीके से, और मैं खुद SC ST एक्ट लगाऊंगी, इस तरीके की बदतमीजी नहीं सहन करूंगी मैं। एक महिला के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, अंजना ओम कश्यप लगातार डिबेट करती है, मैं सीधा नाम लूंगी, सुदर्शन चैनल वाले चौहान के हैं, वो तमाम तरीके के सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने सिर्फ सवाल पूछ लिया तो हमारे कॉलर को पकड़ लिया, हमारे ब्रेस्ट को दबा दिया, ये कहाँ तक चलेगा, कब तक सहेंगे? 5000 साल पहले होता होगा कि शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को जूती के नीचे रखो, लेकिन अब नहीं चलने वाला। अब हम संविधान के तरीके से लड़ेंगे, और इन लोगों को इनकी औकात बता के रहेंगे। अगर इस पर किसी की भावना आहत हो रही है तो मुझसे आके मिले, मेरे चैनल पे आके मेरा नंबर ले, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया, और गलत चीज़ के खिलाफ मैं हमेशा आवाज़ उठाऊंगी। प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, मीडिया इसमें जिम्मेदार है, गोदी मीडिया इसमें उतना ही जिम्मेदार है जितना कि प्रशासन जिम्मेदार है। देखकर तमाशा, गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। सोचिए कॉलर पकड़ लिया, कपड़े फट जाते, मेरे कुछ हो जाता, मुझे चोट आ जाती, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रैच आए, मेरी वॉच टूट गई थी। किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं इस देश में, हम बात नहीं कर सकते हैं, और इनकी भावना आहत हो जा रही है, महिलाओं के
के कपड़े खोले जा रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती इन लोगों को? कौन से अखिल भारतीय परिषद के ये युवा नेता है? कैसे लोग हैं ये? अपने आप को विद्यार्थी बोलते, गुंडे हैं ये। सिर्फ हिंदू कॉलेज के नाम पर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, और हम संवैधानिक तरीके से बात करते हैं तो हमें देशद्रोही, लेफ्ट, ना जाने क्या क्या बोल दिया जाता है। जेएनयू के पढ़ने वाले सिर्फ संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाएगा। ये एक तरीके से गलत हो रहा है, संविधान खतरे में है, और इस देश में मैं खुद अपने आप को महफूज नहीं मान रही हूँ। देखिए, आपने देखा अभी किस तरीके से एक महिला पत्रकार पर ये परिषद के संघ के गुंडे इन पर हमला कर देते हैं, और पुलिस प्रशासन खड़े होकर तमाशा देखता है। तमाशा ही बन गए हैं इस सत्ता के अधिकारी और ये पुलिस प्रशासन। आप सामने देख सकते हैं, हिंदू कॉलेज में ही मैं मौजूद हूँ, और किस तरीके से इनके साथ किस तरीके से किया जाता है। और ये भी बहुजन समाज से आती हैं, ये पत्रकार हैं, और उनके ऊपर इस तरीके की लिंचिंग हो जाती है। आप सामने देख सकते हैं इसी तरीके की तस्वीरें, क्योंकि इनसे सवाल करना, आप समझ सकते हैं कि सत्ता के अधिकारी भी यही है, न्यायालय में बैठी जुडिशरी सिस्टम भी इन्हीं का है, पुलिस भी इन्हीं की है, इसलिए इन्हें संरक्षण जो है प्राप्त है। इसीलिए इनको ना कोई डर है, ना कोई भय है, और किसी भी तरीके की ये अराजकता फैलाते फिर रहे हैं। और इसी तरीके से ये महिलाओं पर मारने काटने की, बलात्कार की बातें करते हैं। कभी ये हथियार लेके, बंदूक कट्टे लेकर लहराने लगते हैं। क्या इन लोगों पर FIR नहीं होनी चाहिए? एक रतन लाल के ट्वीट से FIR तक हो जाती है, अरेस्टिंग हो जाती है। क्या ऐसे गुंडाइयों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? इसी तरीके से आप देखते रहिए जनहित आवाज़। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा माथुर।